हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, जिसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की मासिक पेंशन में 250 रुपए प्रति वर्ष बढ़ाने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव से पूर्व अपने चुनावी घोषणा पत्र में जेजेपी पार्टी ने बुजुर्गों सहित सभी प्रकार की पेंशन 5000 रुपए मासिक देने का वायदा किया था। गठबंधन से सरकार बनाने के उपरांत दुष्यंत चौटाला विपक्षी दलों के निशाने पर तब आ गए जब उनसे जगह जगह सवाल पूछे जाने लगे। हालांकि दुष्यंत चौटाला हर सवाल का जवाब यह कहकर देते रहे कि वे गठबंधन के छोटे पार्टनर हैं और उन्हें सीटें भी कम मिली, वे संख्या बल के हिसाब से जनादेश भी भाजपा के पक्ष में गया है, इसलिए नीतिगत फैसला लेने में जननायक जनता पार्टी सक्षम नहीं है। गौरतलब है कि उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद दुष्यंत चौटाला का धैर्य तब जवाब दे गया था जब जगह जगह मीडिया के लोग उनसे पेंशन का वादा पूरा करने बारे सवाल जवाब करते थे। यहां तक कि चाचा अभय सिंह चौटाला व दादा रणजीत सिंह भी अक्सर पेंशन बढ़ोतरी के सवाल पर दुष्यंत को कटघरे में खड़ा करते रहे। बहरहाल इस स्थिति से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने यह रास्ता निकाला है कि अब दी जा रही पेंशन में 250 रुपए मासिक की बढ़ोतरी तो होगी ही, बल्कि इसे महंगाई दर से भी जोड़ने के उपाय तलाशे जा रहे हैं। उधर विरोधी दलों के नेता पेंशन में 250 रुपए की बढ़ोतरी को मामूली बताकर भाजपा जेजेपी गठबंधन सरकार को घेर कर रखना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सदैव समाज के हितों के लिए लड़ाई लड़ती आई है और आगे भी जनलोक व जनहित में लोगों की लड़ाई लड़ने में प्रयासरत है। यदि आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से, क्योंकि भविष्य में राष्ट्र व प्रदेश के हितों में एकमात्र बड़ा संगठन विकल्प राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी है। हमारे इस संगठन से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें ताकि हम सब मिलकर भविष्य में लोगों के हित के लिए और भी मजबूती के साथ काम कर सके, क्योंकि अब राजनीति नहीं चलेगी समाज नीति।